दोस्तों एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां आज भी लगती है सांपों की अदालत। दरअसल दोस्तों बाराबंकी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मजीठा गांव के मजीठा नाग मंदिर में बुधवार को नाग देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दोस्तों नाग देवता के दर्शन करने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग बाराबंकी पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में जो भी श्रद्धा भक्ति से मन्नत मांगता है वह पूरी हो जाती है। साथ ही जो लोग सांपों से परेशान हैं या जिन्हें सांपों से डर लगता है वे यहाँ दर्शन करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ सभी तरह के जहरीले सांपों की अदालत भी लगती है और उनको नाग देवता दिशा निर्देश भी देते हैं। मजीठा गांव में अधिकतर घरों में अक्सर सांप निकलते रहते हैं और वह इन घरों में निवास करते हैं, लेकिन वह न तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और न ही इंसानों को मारते हैं और न ही इंसान उनको मारते हैं। दोस्तों यहाँ लोग सांपों को दूध पिलाते हैं, उनके देखते ही हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं दोस्तों नाग देवता भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि उनकी हर परेशानी को दूर करते हैं। साथ ही हर साल सावन के महीने में मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है और खासकर नाग पंचमी के दिन यहाँ पर संख्या कई दो गुना बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इंसान अपने शरीर के किसी बीमारी से परेशान है तो केवल इस मंदिर पर मिट्टी की बनी छोटी छोटी मठियां चढ़ा देने से उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मंदिर पर मठियां चढ़ाने आई माया देवी ने बताया कि वह अपने शरीर के कुछ हिस्सों में मसलों से परेशान थी। जब उन्होंने इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मन्नत मांगी तो उनकी मुराद पूरी हो गई। और वहीं स्थानीय निवासी युवक सुधीर के अनुसार वह बचपन से ही यहाँ रहते हैं और तरह तरह के सांप देखते आए हैं। यहाँ इंसानों और सांपों के बीच एक अटूट सा रिश्ता भी है। मंदिर में बाराबंकी के अलावा कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं, साथ ही दूसरे राज्यों के लोग भी चमत्कारी नाग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि मंदिर में स्थित मठ पर मिट्टी की मठियां चढ़ाने के बाद इनको घरों में रखने से ना तो घर के अंदर सांप आएंगे और ना ही जहरीले जीव जंतु आएंगे। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।